अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां फैसल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिकेट डायरी। व्यूअर्स, क्रिकेट ऐसी गेम है जिसमें एक अरसे तक फास्ट बॉलर छाए रहे और बात भी दुरुस्त मालूम होती है। 90 से 95 मील फी घंटा की रफ्तार से अति गेंदों का सामना करना आसान हरगिज़ नहीं होता। क्रिकेट के खेल में कई ऐसे अजीम स्पिन गेंदबाज भी आए जिनकी घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को परेशान किए रखा। ताहम दुनिया के तेज तरीन और ख़तरनाक बॉलर भी कई क्रिकेटर्स को गेंद करवाते हुए परेशान रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के श्रीमान क्रिकेट की तारीख के मायानाज बॉलर ने एतराफ़ किया कि इन्हें वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा से खौफ आता था, इन्हें बाल कराना मुश्किल था। वेस्ट इंडीज के काउंटी वाश 16 साल तक अपने ख़तरनाक बाउंसर से बल्लेबाजों को डराने वाले काउंटी वाश ने जवेद मियादाद को अपना ख़तरनाक हरीफ करार दिया। इनका कहना था कि मियादाद अजीम बल्लेबाज थे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वकार यूनस, पाकिस्तान के ख़तरनाक पेसर ने ब्रायन लारा को अपना मुश्किल तरीन हरीफ करार दिया। दुनिया के लेजेंड खिलाड़ी वसीम अकरम ने न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो को अपना सख्त तरीन हरीफ करार दिया। इनका कहना था कि वो रिवर्स स्विंग को बहुत अच्छा खेलते थे। दुनिया के फास्ट तरीन बॉलर शुएब अख्तर, भारत के राहुल द्रविड़ को एक मुश्किल तरीन बल्लेबाज समझते थे। वो बॉलर्स को दफाई अंदाज में बैटिंग करके थका देते थे। मिचेल जॉनसन, ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैकर के मुताबिक, एबी डिविलियर अगर बैटिंग कर रहे हों तो इन्हें चैलेंज करना मुश्किल होता है। एलन डोनल, साउथ अफ्रीकन बॉलर के मुताबिक, मार्कवा स्टीवा सचिन तेंदुलकर और लारा इनके मुश्किल तरीन हरीफ थे। ऑस्ट्रेलिया के ग्लीन मैग्रा, ऑस्ट्रेलिया के अजीम फास्ट बॉलर के मुताबिक ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को मुश्किल हरीफ समझते थे।